तो अभी मैं रेडी होके जा रहा हूँ सौरभ भाई के पास, ऊपर चलते हैं। गर्मी बहुत है, मैं बाइक पे जा रहा हूँ क्योंकि फिर ट्रैफिक होता है, गाड़ी फंस जाती है और अकेला हूँ मैं गाड़ी लेके। क्या आप बोलोगे ऑयल साफ नहीं है क्योंकि इसमें डाला ही जाता है ब्लैक वाला ऑयल। उसका पीछे वाला बिल है वो एकदम से अटक जाता है क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, तो फटाफट उसको चेक करवा के आते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं 8, मैं आ गया था 7:30 से पहले खेत में क्योंकि रात में बारिश हुई, सुबह फिर से बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई थी, तो खेत में पानी वगैरह था, देखना था कि कितना है। अभी मैं ना तो फ्रेश हुआ, ना ही मतलब नहाया हूँ, ना अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, सीधा खेत आया हूँ। तो अभी जस्ट थोड़ा सा और बैठते हैं खेत में और चलते हैं नहा के, ब्रेकफास्ट करके खेत में आते हैं। और अभी इस टाइम ऐसे लग रहा है कि विंटर आ चुके हैं, समर में ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी विंटर तो आएंगे आगे, और बिल्कुल मतलब ठंड महसूस हो रही है और सांस लेने में ठंडक महसूस हो रही है बिल्कुल। देखो अभी भी बताया हुआ कि बारिश होगी, तो बादल हो रखे हैं और हल्का सा पानी ये भी है खेत में, कहीं कहीं यहाँ पे भी है और जगह भी है कहीं कहीं। तो अभी फिर ड्रेन जो है चलनी स्टार्ट हो गई, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ढहाड़, हमारे इस मतलब गांव में बोलते हैं पंजाबी ढहाड़। तो ये फिर से पानी चलना स्टार्ट हो गया है, इसमें से यहाँ पे मतलब सूख गया था जब पानी, इसमें जो फिश वगैरह थी वो मैंने निकाल के दूसरे खड्डे में डाल दी थी क्योंकि यहाँ पे पानी सूख गया था। तो ये अब चल रही है प्रॉपर, मतलब अभी 3 घंटे बाद फिर से बारिश बताई हुई है, ये फुल भर के चलेगी फिर। तो अभी चलते हैं घर, देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया, मेरे को भूख भी लगी है और नहाना भी है अभी। तो आज बनी हुई है चने वाली दाल, साथ में इसमें घिया, फटाफट खाना खाते हैं और चलते हैं खेत को, अभी नहा के भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। तो अभी खेत में आ चुका हूँ, तो ये ड्रेन में देख सकते हो ये कमल का फूल एक बाहर आ चुका है हल्का सा, और एक दूसरा आया है वो पानी में, अभी पानी में ही खुल गया वो, एक वो है दो और बाकी धीरे धीरे बाकी सब बाहर आएंगे, पर इनको कीड़ा लग जाता है और एक कीड़ा इनको ऊपर से खा लेता है, 2-3 और भी हैं साथ में, एक ये एक वो। तो अभी खेत से आ गया मैं, पूरा मतलब टाइम आज खेत में बैठा, तो अभी जस्ट आके लंच किया है और आज फिर कढ़ी बनी हुई थी, फिर मैंने बोला कि मम्मी चावल बना दो क्योंकि दिन में चावल खा के ना अच्छा रहता है, मेरे को मज़ा आता है, मेरे को धाम भी पसंद है और चावल मतलब हिमाचली धाम तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। चलो अब चावल खा के चलते हैं फिर से खेत में, जाके बैठना पड़ता है वहाँ पे ना। तो जस्ट अभी मैंने स्प्रे किया है खेत में, तो अभी फिर से स्प्रे लेके जा रहा हूँ, थोड़ी सी घर के पीछे करनी है, थोड़ी सी आगे घास मार रहा है, तो फटाफट चलते हैं और 6:30 हो चुके हैं ये खेत में ही मेरे को, तो चलो अब। तो अभी चेंज करके मैं जा रहा हूँ मार्केट साइड, बाइक की जो पिछली ब्रेक है ना टायर डलवाए थे तो वो थोड़ी सी ना ज़्यादा ही टाइट हो चुकी है, तो उसमें लगाने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, मतलब चलाता हूँ एकदम से उसका पीछे वाला बिल है वो एकदम से अटक जाता है, तो प्रॉब्लम हो रही है, तो फटाफट उसको चेक करवा के आते हैं। तो जस्ट अभी मैं घर आया हूँ, मार्केट गया था, तो बाइक का जो जो काम था हल्का सा रहता था, मतलब जो भी आपको मैंने बताया था वो करवाया और सीधा मैं चला गया था जसविंदर के पास, तो उनके घर में आगे जाके एक फंक्शन है, तो उसकी तैयारी कर रहे थे, बात वगैरह हुई कि कैसे कैसे करना है, तो अब सीधा पहुंच गया हूँ घर, आके मुँह हाथ धो के। तो आज बनी हुई है कढ़ी, कढ़ी के साथ है चपाती, मम्मी ने कढ़ी डाल दी है क्योंकि मैं तीनों कोलियाँ भरती हूँ, देखो क्योंकि मैं सब्जी जो है ज़्यादा खाता हूँ, तो मम्मी ने से पूछा कि चावल बचे हुए थे, तो बोला कि हाँ, तो चावल भी मैंने साथ में ले लिए हैं। तो अभी हल्की सी बाहर सैर करके आया और बाइक वगैरह साथ में यहाँ पे ठीक से पार्क करके रख दिया है, तो नींद बहुत आ रही है अब, चलो आपको मिलते हैं अब सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, तो अभी बज चुके हैं
10। तो आज सुबह मैं 6:30 बजे के बाद सीधा खेत चला गया था बिना नहाए धोए। तो वहाँ पे जो भी काम वगैरह था, स्प्रे वगैरह, वो मैं सुबह सुबह करके आ गया। तो भी नहाने आया था और खाना वगैरह खा के अब सीधा जा रहा हूँ खेत को। पापा खेत में ही हैं। तो अभी हल्की हल्की धूप निकली हुई है और इधर जो क्यारी है इसका रेत का, इसको थोड़ा सा ऊपर से हल फेर रहे हैं ताकि जो बारिश पड़ी है उसका असर कम हो। तो देख सकते हो इधर बादल, ये बादल चारों तरफ अभी भी हैं। ये हमारा फ्लैग। और आप सभी को बहुत ही कंग्रेचुलेशंस कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है और चौथा देश बन गया है जो कि चांद पे साउथ में सबसे पहला पहुंचा है। चंद्रयान 3 हमारा जो पहले था 2019 में वो ठीक नहीं रहा था। जो चंद्रयान 3 था वो अच्छी तरह लॉन्च हो चुका है, तो जो कि साउथ में अब वहाँ पे चंद्रमा वहाँ पे पूरा रिसर्च करेगा। अभी मैंने ले लिया है ऑयल जो कि कल मैंने बाइक से, मतलब उसमें बाइक में नया डाला और ये पुराने वाला इसमें डाल के लेके आया ताकि जो इंजन का दिमाग है वो ठीक कर पाऊँ, उस दिमाग में डालना है। चलो आपको दिखाते हैं। इंजन का हेड बोलते हैं उसको, ऐसे हम अपने शरीर का हेड बोलते हैं इसको दिमाग। तो उसको ठंडा रखने के लिए ये डालना पड़ता है ऑयल। तो फटाफट चलते हैं अब। तो ये रहा हमारा इंजन, ये रहा इसका हेड, ये रहा वो हेड को खोलेंगे हम। पहले इसकी सफाई करेंगे, जो कचरा है ना इसके हेड में, गंदगी पानी से बन चुकी है ना, वो साफ करनी है। हाँ ये देखो थोड़ा सा गंदा है दिमाग ये, तो इसकी अभी सफाई करूँगा पहले। तो ऐसे आराम के साथ इसको साफ करना है। कचरा बहुत कचरा भर रखा है इसमें बिना मतलब से। कई बार चूहे होते हैं ना वो कचरा लेके दिमाग में डाल देते हैं हेड पे इसमें। तो ऐसे सारा साफ करना पड़ेगा मेरे को। इसमें पानी भी भर चुका है, देखो ये पानी है इस साइड, ये सारा साफ करेंगे अब। क्योंकि इसका जो हेड है टाइम टाइम पे साफ ना किया जाए तो ये गर्म हो जाता है, तो गर्म हो गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये देखो इसके हेड में से दिमाग से कैसे कचरा निकल रहा है। सारा कचरा निकालने की अब जरूरत थी, ये धीरे धीरे निकल जाएगा सारा कचरा। कचरा के साथ साथ पानी भी बहुत भरा हुआ है, पानी के लिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है एक छोटा सा, उसके साथ इसको साफ कर दूंगा। पहले ये जो कचरा है वो साफ करते हैं। बहुत जम चुका है ऐसे तो, और हाथ भी काले हो जाएंगे। तो गाइस इसका हमने हेड साफ कर दिया, फिर भी थोड़ा बहुत जो कचरा है इसमें पड़ा हुआ अभी भी, तो वो साफ़ नहीं होगा क्योंकि अब जब ये पूरा सेक्शन खुलेगा उसके साथ ही साफ़ हो सकता है और वो डीजल से वॉश करना पड़ेगा। बट मेरी जितनी हिम्मत थी मैंने इसका दिमाग और जो हेड होता है उसको साफ़ किया है। और इसमें अब डालते हैं हम हल्का सा ऑयल ताकि ये दिमाग गर्म ना हो, इसका हेड जो है ये यहाँ से गर्म ना हो ऊपर से। वैसे ये जो ऑयल डाला जाता है ये पिस्टन होते हैं, इनको मतलब ये जाम वगैरह ना हो जाए इसलिए डाला जाता है। ये स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। और आप बोलोगे ऑयल साफ़ नहीं है क्योंकि इसमें डाला ही जाता है ये ब्लैक वाला ऑयल है, ऐसे इतना इतना इसमें, और इधर भी ऐसे ही इसके ऊपर डाल देना हल्का सा ऐसे। तो अब ये पिस्टन ठीक रहेंगे, हल्का सा इधर डाल देते हैं। इसकी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, मस्त चलेगा ये। तो अब ये हमने इस पर लगा दिया इसका ढक्कन। तो आज का काम ये वाला हमारा इंजन का हेड खत्म हो गया। तो
चलते हैं दूसरी साइड। तो ये देखो लेवल लगा के सीधा बने बनाए जा रहे हैं। ये पूरा सेक्शन अब रेडी हो चुका है यहाँ से लेके वहाँ तक, बस अब बरसात वगैरह ये खा थोड़ी रुक जाए तो ये इधर भी अब काम करना इस सेक्शन में मतलब शुरू कर देंगे हम। तो हेड को साफ करते करते हाथ भी काले हो गए, साबुन से लेके इसको धो लेते हैं। तो आज बनी हुई है दाल, तो साथ में हल्का सा प्याज, लंच करके फिर चलते हैं। उसके बाद शाम को सौरभ भाई के साथ कहीं पे जाना है, तो उसके बाद चलते हैं खेत को। तो अभी मैं रेडी होके जा रहा हूँ सौरभ भाई के पास, तो फटाफट चलते हैं। गर्मी बहुत है, मैं बाइक पे जा रहा हूँ क्योंकि फिर ट्रैफिक होता है तो गाड़ी फंस जाती है और अकेला हूँ मैं, गाड़ी लेके क्या करूँगा। तो चलो फटाफट। तो जस्ट अभी 15 मिनट पहले मैं घर आया और अभी गया था चक्की, वहाँ से जो दाने वगैरह दिए हुए थे और आटा लेके आया हूँ, तो साथ में दूध। तो मैं और सौरभ भाई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम सीधे चले गए थे काम पे, और काम पे आके सीधा सौरभ भाई अपने घर और मैं अपने घर। सौरभ भाई को काम था और जो काम था हमने अच्छी तरह किया और सब कुछ बताया, तो अब सीधा घर आ चुके हैं। और सौरभ भाई को कल थोड़ा सा घर पे और भी काम है क्योंकि सौरभ भाई के जो पापा हैं उनकी बुआ की डेथ हो चुकी है, तो कल जो भी उधर से बैठने के लिए आते हैं तो उन्होंने आना, तो कोई जो भी रस्म होती है खाना वगैरह उनको खिलाने की, उसके लिए वो हलवाई वगैरह के अरेंज कर रहे थे भाई, तो फटाफट घर चले गए। तो चलो अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, गर्मी बहुत लग रही है मेरे को अभी। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।